रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 23 ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 6। ये सेकंड पार्ट है 23 का, चैप्टर हमारा 7 है, फिनेंशियल अरिथमेटिक्स। एक्सरसाइज बेटा करेंगे 7C, पेज नंबर 108 पर। क्या आपने किए इस टाइप के क्वेश्चन? सिंपल हैं। एन आर्टिकल इज बॉट, बॉट खरीदा गया यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसकी 300 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड यानी कि सेल प्राइस, बेचा कितने में गया 315 में। फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एंड द प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है 300, फिर सेल प्राइस जिस पर बेचा है 315। प्रॉफिट कितना होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 315 माइनस 300, तो 15 रुपीज प्रॉफिट है। अब परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट ओवर सेल कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, तो प्रॉफिट ऑफ 15 ओवर 300 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा, तो 5% उसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ लॉस ऑफ ₹50 का लॉस है बाय सेलिंग अ बुक एट 250। एक बुक अगर 250 की बेचें तो उस पर 50 रुपीज़ का लॉस है, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताना है एंड लॉस परसेंट। लॉस कितना है 50, सेल प्राइस कितना है 250, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा, तो 300 आ जाएगा ये। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 50 ओवर 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इसको कैलकुलेशन किया तो 50 ओवर 3% यानी कि 16 होल नंबर 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एन ओल्ड बुक वाज बॉट फॉर ₹1520 की एक बुक खरीदी गई है एंड सोल्ड, और उसको बेचा कितना गया है 1440 की, 44 है सॉरी, ये 40 नहीं है 1444। फाइंड द लॉस परसेंट फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1520 और सेल प्राइस क्या है 1440 नहीं है ये 44 है, इसको बेटा 44 कर लें। लॉस कितना होगा 1520 माइनस 1444, 76 रुपीज़ इसका लॉस हुआ। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 76 ओवर 1520 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिलेशन किया तो इसका आंसर आ जाएगा 5% लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ 30% इज लॉस बाय सेलिंग अ सोफा सेट, एक सोफा उसको बेचा तो 30% लॉस हुआ फॉर 980 का बेचा, तो एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड, कितने प्राइस पर इसको बेचा जाए तो टू गेन 10%, उसको 10% प्रॉफिट हो। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस 100 रख लें तो 30% लॉस हुआ, तो लॉस 30 रख लेंगे। अब सेल प्राइस कितना होगा, 100 माइनस 30 70 होगा। अब सपोज करते हैं इफ सेल प्राइस 70 देन कॉस्ट प्राइस कितना 100, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, इफ सेल प्राइस 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 ओवर 70, अब सेल प्राइस 980 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 ओवर 70 मल्टीप्लाई बाय 900, तो 1400 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। प्रॉफिट के लिए इसके जो देखते हैं कितना परसेंट इसको कितना सेल आउट करेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 10% लेना पड़ेगा ना सेकेंड पार्ट में, तो सेल प्राइस हो जाएगी 110। अब उसी तरह यूनिटरी मेथड, इफ कॉस्ट प्राइस 100 देन सेल प्राइस 110, इफ कॉस्ट प्राइस 1 है तो सेल प्राइस 110 ओवर 100, 1400 अगर कॉस्ट प्राइस हो तो सेल प्राइस क्या होगी 110 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1400, कैंसिलेशन किया 1540 की उसको सेल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, कदीर बायज एग, कदीर अंडे खरीदता है एट रेट ऑफ 5 पर 3 रुपीज़ के 5 अंडे खरीदता है एंड सेल करता देम एट 75 पैसा का, 75 पैसे का मतलब है 0.75 रुपीज़, फाइंड परसेंटेज गेन और लॉस। सबसे पहले हम देखते हैं 1 एग का फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 एग कितना है 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 एग कितना होगा 3 ओवर 5, तो
कैंसिलेशन किया 0.6 रुपीज़ आ जाएगा, या इसको 60 पैसा लिख सकते हैं। अब सेल प्राइस कितनी है, 1x की 0.75 रुपीज़ या 75 पैसा, हम पैसा को यूज़ कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, 75 माइनस 60, 15 पैसा प्रॉफिट हुआ है 1x के लिए। प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, प्रॉफिट है 15 पैसा और 60 पैसा इसकी है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिलेशन किया 25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, परचेजिंग 25 ट्रांसिस्टर परचेज किए हैं 25 एट द रेट ऑफ, और एक की कॉस्ट कितना, 675 रुपीज। अ रिटेलर हैज अ टोटल गेन, उसको जब वो बेचता है तो टोटल गेन होता है 2700 रुपीज। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच, एक वो कितने का बेचेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ट्रांसिस्टर फाइंड आउट कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 1 की जो प्राइस है 675, तो ये आ जाएगा 16875 रुपीज। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2700, तो सेल प्राइस ऑफ 25 ट्रांसिस्टर कितनी होगी, उसको जो प्रॉफिट ऐड कर दें कॉस्ट प्राइस में, ये आ जाएगा 19575। अब है सेल प्राइस ऑफ वन ट्रांसिस्टर, तो 25 की ये 25 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7083 रुपीज़। होमवर्क है बेटा क्वेश्चन 2, 5, 7, 10 और 12, तो आपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है, नोटबुक्स इंशाल्लाह आपकी चेक होंगे, इनकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।